वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बता दी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होती क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैंने आपको बताया था वो रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उस टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हियर इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या होगा? फॉर्मेशन भी होगी गैमेट्स की और फ्यूजन भी होगी, वन फ्रॉम द मेल एंड वन फ्रॉम द फीमेल। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था और कि मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस, सेल डिवीजन जो होती है वो बोथ प्रोसेसेस होते हैं, मियोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होती है। मियोसिस कब होगी? जब क्या बन रही होंगी? गैमेट्स बन रही होंगी। बट जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद जो उसकी डिवीजन होगी, उन सेल्स की डिवीजन होगी, वो कैसे होगी? माइटोसिस होगी। ठीक है, तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखो बच्चों, होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मैंने आपको बताया गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या होती है? गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताती जाऊंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन होगी। अब क्या होता है कि गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होगी? कुछ ऑर्गेनिज्म में, इन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। द गैमेट्स, या फिर आप बोल सकते हो सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? एग्जांपल आप समझ लो, कौन से एग्जांपल आ गई? अर्थवर्म। अर्थवर्म के केस में क्या होता है? अर्थवर्म के केस में क्या होता है कि जो टेस्टिस है, द टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज आर फाउंड इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अर्थवर्म में दोनों टेस्टिस और ओवरीज, दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ओके, सेकेंड टाइप कौन सी आ जाती है? सेकेंड टाइप आती है वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट, मतलब दे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पोसेस डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल। दो ऑर्गेनिज्म होंगे, मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट्स, एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं? द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, एग्जांपल आ गई इसमें मैन। ठीक है, क्या होता है? इन मैन मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल। मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। वेयर इज द फीमेल गैमेट कॉल्ड इज एग और ओवम, कुछ भी बोलो, एग और ओवम। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन क्या होती है उस देखो, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डायरेक्ट भी जा सकते थे, हाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लेंगे मेल का, देन फीमेल का, तो वो चीज़ समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी मैं आपको ये सब बता रही हूँ। हर्माफ्रोडाइट कौन से आ गए? अर्थवर्म, जिनमें दोनों ऑर्गन सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते। वेयर एज इन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे मेल में अलग फीमेल में अलग, तो वो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स आर नोन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो होता क्या है अगर हम एक ग्राफिक फॉर्म में समझें तो होता क्या है? सबसे पहले क्या होगा? मेल, दिस साइन इज फॉर मेल।
एंड दिस साइन इज फॉर फीमेल। आई होप सबको विजिबल होगा, नहीं तो मैं काम करती हूँ। The process is called fertilization. ठीक है? क्या हो रहा है? Egg और sperm दोनों fuse करके zygote बना रहे हैं। Here the haploid, the ये जो gametes होते हैं, they are haploid, and they both together fuse to form a diploid zygote. क्या करेंगे? Diploid zygote. This number depends on, this is species specific. कौन से species का zygote है? वो vary करेगा उसमें. डिप्लॉयड नंबर जो भी है ये वेरी करेगा, ओके? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है? देन आफ्टर दैट जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट अंडरगोस वेरियस सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन प्रोसेसेस होंगे एंड देन जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो। जाइगोट क्या करेगा? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? देखो, देखने के लिए तो आपको ये काफी सिंपल लग रहा होगा, हाँ जी, कि मेल और फीमेल क्या कर रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं, देन आफ्टर दैट डिफ्यूज एंड दे जाइगोट इज फॉर्मड एंड देन आफ्टर एम्ब्रियो। बट जितना इजी है, जितना सिंपल ये दिख रहा है, इतना सिंपल ये होता नहीं है, ठीक है? आप एग्जांपल ले लो, जाइगोट के बाद मैंने आपको बताया एम्ब्रियो बन रहा है, इसके अंदर भी काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं। क्या होता है? जाइगोट से क्या बनता है? पहले जाइगोट से बनेगा मोरूला, ठीक है? क्या बनता है? मोरूला। देन आफ्टर दैट फिर से डिवीजन होगी, देयर इज ब्लास्टुला। क्या बनेगा? ब्लास्टुला। देन गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला क्या है? गैस्ट्रुला एक ऐसी स्टेज है जहां पे थ्री जर्म लेयर्स जो होती है वो बन गई होती है, ठीक है? क्या होता है यहाँ पे? थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। ये जर्म लेयर्स क्या करती है? दीज जर्म लेयर्स हेल्प, या फिर ये जर्म लेयर्स क्या करेंगी? आगे ऑर्गेन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? दे फॉर्म ऑर्गेन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होता है ये? ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है? यहां से जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, देन आफ्टर दैट एम्ब्रियो इज फॉर्म, ठीक है? क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जाइगोट से, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक ये काफी स्टेजेस आती हैं। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपके लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अटेन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है, ठीक है? देखो, ये जो सारी स्टेजेस, दीज ऑल स्टेजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहां क्या हो रहा है? गैमेटोजेनेसिस हो रही है फर्टिलाइजेशन से पहले,
दिस इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन. क्या है ये? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है. लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जो भी हो रहा है, दिस इज ऑल, दिस आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. क्या है ये? पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो अभी आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में चला गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है. ठीक है, कि पहले गैमेटोजेनेसिस, देन आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर दैट एम्ब्रियोजेनेसिस. दिस इज व्हाट, दिस इज एम्ब्रियोजेनेसिस. दिस इज एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, ये सब हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये आपके लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इन स्टेजेस में, मतलब ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन अभी आपके लिए कुछ टर्म्स को समझना, आगे जब आप डिटेल स्टडी करोगे उनमें कुछ टिपिकल टर्म्स आएंगे, उनको समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है. अब फास्ट फास्ट नहीं पढ़ाऊंगी मैं ज़्यादा कि हाँ भाई सिलेबस कम्प्लीट करने की बात नहीं है. अभी आपको एक काफ़ी बेसिक समझ होनी चाहिए. अभी आपके सिलेबस ऐसा है कि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन मैं आपके लिए काफ़ी वास्ट बना दी. ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक टर्म्स. देखो क्या होता है, पहले मैंने आपको बता दिया हर्मोफ्रोडाइट, दिस इज सेक्सुअलिटी. क्या है? सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट एग्जाम्पल इज अर्थवर्म. ठीक है, क्या है? अर्थवर्म. इनको आप क्या बोल सकते हो इनके लिए कि अर्थवर्म कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, या हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन्स जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बोथ टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज. देन सेकंड मैंने आपको बताई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जाम्पल इज मैन. हेयरिंग सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे. दैट इज मेल एंड फीमेल. देखो बच्चों के आपको शायद बीच में कहीं बोर्ड पे विजिबल नहीं होगा, तो मैं जो भी बोल रही हूँ मैं वो ही इस पे लिख रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं लिख भी क्या रही हूँ. ठीक है, इसमें क्या होता है? मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज. ठीक है, आफ्टर दैट क्या आता है? गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताया, सेम मेल में गैमेट फॉर्मेशन को क्या बोल देते हैं? मेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. वेयर इज इन फीमेल ओवम इज प्रोड्यूस्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओजेनेसिस. ठीक है, देन थर्ड क्या आएगा कि ट्रांसफर कैसी होती है? गैमेट्स ट्रांसफर. सो इन हायर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे कि मैन में, तो इन हायर ऑर्गेनिज्म और हायर एनिमल्स मेल डिपॉजिट्स द गैमेट्स inside the female, inside the female. Male क्या करता है? खुद deposit करता है female में gametes को. ठीक है, then after that जब gametes भी transfer हो गए, gametes की formation होगी, gametes की transfer भी होगी, अब क्या होगा? Fertilization. क्या होता है? Fertilization. ये important. Fertilization, इसको हम क्या बोल देते हैं?
काफी बार पूछा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी। ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ। में गैमेट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल मीडिया में आप बोल सकते हो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मेल से क्या आएगा, स्पर्म, एंड फीमेल से क्या आता है, ओवर और एग। एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, एग्जांपल आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। फिर फ्रॉग, एग्जांपल इज फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, मेल फ्रॉग क्या करेगा, अपने स्पर्म्स को शेड ऑफ कर देगा, एंड द फीमेल आल्सो शेड ऑफ द एग। अब क्या होगा, पानी में होते हैं तो पानी में क्या करेगा, जो स्पर्म होता है और जो एग होता है वो काफी सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है उसमें कि कैसे ये एक दूसरे के क्लोज ऑन आते हैं, क्लोज कैसे आएंगे। तो स्पर्म और एग जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दे गेट फ्यूज्ड एंड देन दस फर्टिलाइजेशन हैपेंस। सो उसके बाद काफी चेंजेस आते हैं, मेटामॉर्फोसिस, वो आगे की बात है। बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग और स्पर्म होते हैं वो एक्सटर्नली शेड ऑफ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपेंस हियर इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या कहां पे होती है, इंटरनली। ठीक है, क्या होगा, गैमेट्स और जो ये गैमेट्स होंगे, चाहे वो स्पर्म होगा एग होगा, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल दीजिए, मैन। मैन की एग्जांपल क्यों दे रही हूं, क्योंकि काफी इजी है। तो क्या होता है, मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूसेस एग्स। द मेल डिपॉजिट्स द एग्स, सॉरी, द मेल डिपॉजिट द स्पर्म्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉपुलेशन। वो आगे की बात है, क्या करेगा, जो मेल है वो स्पर्म को डिपॉजिट करता है किसमें, फीमेल में। एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, तो ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि मैन के केस में कैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती क्या है। एग जो है वो फीमेल के अंदर होता है और स्पर्म जो है वो मेल के, मेल जो है वो डिपॉजिट करता है फीमेल के अंदर। ठीक है, वहां जाके फर्टिलाइजेशन हैपन होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन सिनगैमी, हाँ, फर्टिलाइजेशन में कुछ और टर्म्स आ जाती हैं, देखो डिपेंड करता है। अब देयर इज टू टर्म्स, देयर आर टू टर्म्स, आइसोगैमी, और इसको समझ
समझने से पहले आप एक चीज समझिए, देयर इज एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, ठीक है? दो टर्म्स होती हैं, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। एक्सोगैमी दिस इज आल्सो नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। And this endogamy also known as self-fertilization. अब समझिए process क्या होता है। Here endogamy, self-fertilization क्यों कहा गया? क्योंकि जो दोनों gametes हैं, वो एक single body में single body से बन रहे होते हैं, ठीक है? The gametes are produced in a single organism. मैंने आपको बताया ना अर्थवर्म के केस में, same endogamy वही process है। ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो वहीं पे आगे वो फ्यूज कर देंगे, दैट इज नोन एज एंडोगैमी। एग्जांपल अर्थवर्म के अलावा टेपवर्म, ठीक है? हियर इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, और जो गैमेट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आएंगे। सो एग्जांपल इज मैन, ठीक है? दिस एंडोगैमी हियर व्हाट हैपेंस, मैंने आपको बताया एक ही ऑर्गेनिज्म में हो रही, दिस इज आल्सो नोन एज यूनिपेरेंटल। काफी लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, काफी सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि एंडोगैमी क्या है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन होगी वो अंदर होगी, एंड दिस इज आल्सो नोन एज यूनिपेरेंटल। वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल। Here in exogamy, cross-fertilization. This is also known as cross-fertilization. अलग-अलग organisms से gametes आएंगे, fuse करेंगे. Example, man. And this is also known as biparental. Bi means two. So two parents are one, and this is known as biparental. ठीक है? I hope इतना समझ आ गया होगा. Next important terms क्या आ जाती हैं? Next important terms आती हैं isogamy and isogamy, नाम से पता चल रहा होगा वो gametes जो morphologically या आप बोल सकते हो जिनकी शेप या साइज सिमिलर हो। Herein gametes are morphologically same. क्या होगा? Gametes morphologically similar है। Example, monocystis. Monocystis. Here in anisogamy, अगर इधर gametes morphologically same है, here gametes are of different size, different shape होगी उनकी, so here gametes are morphologically different. Example man, अगर आप इनके gametes man में अगर आप gametes की study करोगे, जब आगे जाके मैं आपको इनके स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो आप उसमें देखोगे स्पर्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एग, दैट इज व्हाई दीज आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई, फर्टिलाइजेशन क्या क्या आता है इसमें, एक्सोगैमी एंडोगैमी देन आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। देन आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइज हो गया देन देयर हैपेंस एम्ब्रियो, जायगोट की फॉर्मेशन होगी, हाँ जायगोट फॉर्मेशन होगी, देन आफ्टर दैट एम्ब्रियो फॉर्मेशन, क्या होगा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। सो आफ्टर दैट एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। देखो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करेंगे, जो न्यू बॉर्न को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग eggs, by egg laying, ठीक है? Such type of organisms are called oviparous organisms.
What they are called? They are called as oviparous organisms. बर्ड्स की एग्जाम्पल देख सकते हो आप इसमें. बर्ड्स जो है वो एग ले करके प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वन को, सो दे आर ओविपेरस. सेकंड टाइप क्या आ जाती है? दोज विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस बाय गिविंग बर्थ. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर विविपेरस. एग्जाम्पल इज मैन. ठीक है, मैन या एनिमल्स कुछ भी ले लो, वो जो अपने यंग वंस को बाय गिविंग बर्थ प्रोड्यूस करेंगे दे आर कॉल्ड विविपेरस. सो हियर इज एम्ब्रियोजेनेसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट. मैंने आपको सारे प्रोसेसेस बताए कि फर्टिलाइजेशन में या फिर आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है. तो आज का टॉपिक हमारा एक बेसिक था, एक आप बोल सकते ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप दो टर्म्स को स्टडी करते हो. वन इज कंजुगेशन एंड द अदर वन इज पार्थेनोजेनेसिस. व्हाट इज दिस कंजुगेशन? में कंजुगेशन किसमें पाई जाती है? पैरामीशियम. एग्जांपल इज पैरामीशियम. में मेल और मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई है वो बने. अब दो डिफरेंट पैरामीशियम आके एक साथ, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, दोनों डिफरेंट जो भी है ये पैरामीशियम ये आके एक साथ जुड़ेंगे. जुड़ेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ ए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. ठीक है, न्यूक्लियाई है, गैमेट न्यूक्लियाई है, वो ट्रांसफर कर. ठीक है, ट्रांसफर होके दे बोथ फ्यूज एंड बाय दिस प्रोसेस अ न्यू वन इज फॉर्म. ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया है जिसमें क्या होता है, विदाउट फ्यूजन जो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है. एग्जांपल इसमें क्या आ जाती है? हनी बीज. हनी बीज के केस में पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पढ़ा क्या क्या इसमें हमने? गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले, देन आफ्टर दैट गैमेट्स ट्रांसफर होगी. ठीक है, गैमेट्स ट्रांसफर होने के बाद देयर हैपेंस फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट प्रोसेसेस बताए, डिफरेंट टर्म्स बताए मैंने आपको. एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियोजेनेसिस. डिस्कस जो है इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.